करते हैं। इस बैग को बनाने के देखिए इस तरीके से एक रेक्टेंगल पीस लिया है मैंने, मेन फैब्रिक, बीच में जो प्लास्टिक वाली सीमेंट वाली बोरी होती है या आटे वाली बोरी होती है उसका एक पीस, नीचे लाइनिंग के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ, ऐसे है ये 21 इंच और इसकी लंबाई है 26 इंच। तीनों पीसेस को मैंने रख लिया, अब इसे पिनअप करके इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए तो हमारे पास एक सिंगल पीस रेडी हो जाएगा। ये मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली तो सिंगल पीस आ गया हमारे पास। अब मैंने क्या, देखिए यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा लिया है, इन दोनों का सेंटर लेके यहाँ पे सीधा लाइन में लगा लिया है और इन दोनों का सेंटर लेके सीधा निशान लगा लिया। तो इस तरीके से आपको भी सेंटर पॉइंट लेना है। अब हम इसमें पॉकेट बना लेते हैं। तो पॉकेट बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है मेन फैब्रिक और लाइनिंग 7x7 इंच का कपड़ा है और इस तरीके से जिप लिया। तो हम पॉकेट बना लेते हैं। पॉकेट कैसे बनानी है, इसे 2 मिनट साइड पे रखिए, जिप की सीधी तरफ रखनी है यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई ली। मैंने सिलाई लगा लिया, अब इसे इस तरीके से पलट लीजिए, पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा, ये देखिए टॉप स्टिच लगा लिया। अब ये लाइनिंग वाला पीस लेना है, इसे रखना है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे पलट लीजिए इस तरीके से, पलटते हुए इसे इस तरीके से रखना है कि ये पाइपिंग से हमारी ऊपर की तरफ आए। इस तरीके से रखना है और जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है आपका उसे कट कर लीजिए। पॉकेट बन गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कहाँ करना है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इसका भी मैंने पॉकेट का सेंटर पॉइंट ले लिया है। तो इसे सेंटर पॉइंट पे रखना है, यहाँ से नीचे फोल्ड करना है आपको 1/2 इंच के करीब, इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है। ये देखिए ये इसकी प्लेसमेंट आएगी यहाँ सेंटर में, इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा। मैंने सिलाई लगा के पॉकेट को अटैच कर लिया। तो इस तरीके से हमारी 2 पॉकेट बन गई, एक पॉकेट हमारी यहाँ बन गई जिपर पॉकेट और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई। तो इस तरीके से बनाते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली 2 पॉकेट बन जाती हैं। अगर आप चाहें तो सेम ऐसी पॉकेट इस तरफ भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें स्ट्रैप लगाते हैं, तो मैं रेडीमेड स्ट्रैप यूज़ कर रही हूँ। मैंने 46 इंच के स्ट्रैप लिए हैं, आप चाहें तो कपड़े को फोल्ड करके भी बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है, स्ट्रैप को रखना है, ये जो हमारा पॉकेट है इसका रेफरेंस लेना है आपको, इस तरीके से रखना है। ये जो हमारे पॉकेट है इसके ऊपर रखना है यहाँ पे इस तरीके से कि इसके रफ एजेस आपके इस तरीके से छुप जाने चाहिए और दूसरी तरफ से यहाँ पे रखना है इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और सेम इसी तरीके से आपको इस तरफ भी ज्वाइन करनी है, इसी को सीध में लगाते हुए ये देखिए इस तरीके से ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक नाप के इस तरफ भी निशान लगा देते हैं। 9.5 इंच पे है हमारा ये अप्रॉक्सीमेट, ये मैंने निशान लगा दिया इस तरीके से। अब आपको सिलाई लगानी है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मैंने स्ट्रैप को सिलाई लगा ली यहाँ तक जहाँ तक हमारी पॉकेट है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो दोनों तरफ से हमारी स्ट्रैप लग गई। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। जिप चाहिए हमें इसके साइज़ की, तो इसके साइज़ की मैंने जिप ले ली है। जिप की सीधी तरफ रखनी है आपको अंदर की तरफ, यहाँ पे रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से पलट दीजिए और पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली। देखिए ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, तो जिप की एक पीस इधर अटैच हो गया, दूसरा पीस हमें दूसरी तरफ अटैच करना है। तो इसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लग, ये देखिए ये मैंने इस पर पूरे पे सिलाई लगा ली। अब हम इसे खोल लेते हैं, पहले टॉप स्टिच लगा लेते हैं इस तरीके से। इसे भी अंदर की तरफ को आपको पलटना है इस तरीके से, पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया। अब हम इसमें रनर को इंसर्ट कर लेते हैं, इसे इस तरीके से करना है आपको, ये देखिए ऐसे रखना है। एक रनर को यहाँ से और एक रनर को यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। और अगर आपको रनर इंसर्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है वीडियो का कि रनर को ईजिली कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो एक रनर यहाँ और एक यहाँ कर लिया, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, दोनों तरफ से हमारा रनर इंसर्ट हो गया। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया, तो ये हमारा इस तरीके से, ये जिप वाला पोर्शन लेना है, इसे सीधा इस तरीके से स्ट्रेट बिछाना है बिल्कुल बराबर बीच में रखते हुए। ये देखिए इस तरीके से आपको ये सेंटर में रखना है, हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ था, सेंटर को इस वाली जिप को सेंटर के निशान से मिला लीजिए, यहाँ से भी मिला लीजिए। तो
से मैंने दोनों तरफ से मिला लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ इस पे सिलाई मैंने सिलाई लगा ली। दोनों तरफ हमारी सिलाई लग गई। अब हम इसका बेस और साइड्स बनाते हैं। उसके लिए हमें इसे इस तरीके से फ्लैट बिछाना है। इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से मिलाना है इस तरीके से, तो ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। देखिए ये हमारा फोल्ड हो गया। सेम उसी तरीके से इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से मिलाते हुए इस तरीके से फ्लैट बिछाते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से इसे बिठाना है। और हम यहाँ पे इसके निशान लगा लेते हैं, इस पे हम निशान लगा लेते हैं। तो एक पल्ले पे जैसे निशान लगा रही हूँ वैसे ही आपको सारे पल्लों पे लगाने हैं, इस पे भी, फिर उसके बाद इस पे और इस पे भी, और इसकी कटिंग करनी है। तो निशान हमें कितने इंच पे लगाना है, 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, और यहाँ से मैं इस पे निशान लगा लूँगी 4 इंच पे। इस कॉर्नर से 6.5 इंच, इस कॉर्नर से 4 इंच, और इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए इस तरीके से। ये हमारा निशान लग गया। ऐसा ही निशान हमें इस तरफ भी लगाना है। निशान लगा लिए इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब जो निशान लगाए इन्हीं निशान पे आपको सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, और सेम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा। देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली, जो निशान लगाया था उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ हमारी सिलाई लग गई, इस तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर लीजिए यहाँ से। ये मैंने कट कर लिया। अब ये रफ एजेस हैं, सिंपल स्ट्रेट पट्टी से इसे पाइपिंग से फिनिश कर लीजिए, और यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से देखिए इसका लुक आया है। ये हमारा बैग देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। साइड्स इस तरीके से देखिए काफी अच्छी साइड्स आई हैं, काफी वाइड। देखिए हमारा इस तरीके से बॉटम बना है, काफी अच्छा वाइड बॉटम। साइड्स टॉप पे जिपर आ गई, यहाँ पे हमारे इस तरीके से हैंडल आ गए देखिए, और यहाँ पे हमारी दो पॉकेट आ गई, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे आ गई और एक जिपर पॉकेट भी आ गई हमारे यहाँ पे देखिए। तो 2 पॉकेट्स आ गई, एक पॉकेट ये और एक पॉकेट ये, 2 जिपर पॉकेट आ गई यहाँ से देखिए इस तरीके से। पूरा फाइनल होने के बाद मैं इसके एक बार मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। यहाँ टॉप से हमारी इसके विड्थ आई है अप्रॉक्सीमेट 11 इंच, और इसकी हमारी लेंथ अप्रॉक्सीमेट आई है 7 इंच के करीब लेंथ है, और यहाँ से ये वाइड है 5 इंच, और नीचे की तरफ से तो काफ़ी अच्छी वाइडनेस है इसकी। देखिए यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 6.5 इंच के करीब बना है, और नीचे से इसकी विड्थ बता देती हूँ मैं अप्रॉक्सीमेट 14 इंच। तो काफ़ी अच्छे साइज़ का बना है। देखिए मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कितने सारे कपड़े रखे हैं मैंने। तो यहाँ से वाइड ओपनिंग है, तो कपड़े वगैरह रखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये देखिए इस तरीके से 6-7 जोड़ी आपके कपड़े आराम से आ जाते हैं। देखिए मैंने काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं, और रखने में भी बहुत इजी है क्योंकि इसका जो बेस है यहाँ से जो इसकी ओपनिंग है वो वाइड है। देखिए इस तरीके से अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो रखने में भी इजी होता है। देखिए इस तरीके से आराम से आप रख सकते हैं, आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। तो वाइड ओपनिंग के साथ ये हमारा बैग देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए घर में पड़ी चीज़ों से बनाया है, सिर्फ एक स्ट्रैप और जिप लेने की आपको ज़रूरत है, बाकी आप घर में पड़े कपड़े से इसे इजीली बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत इजी है, और ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया।